नमस्कार। एक वीडियो हमारा आपने देखा होगा, वो था एम्पैथी पर, परानुभूति पर, अर्थात दूसरे का दर्द हमारे दिल में। आइए उस विषय को और अधिक विस्तृत करें। मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर। मैं जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था डॉक्टरेट की, तो हमारा हीरो था वो। उसका कोई मैच मैं मिस नहीं करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, इतना तेज, इतना अधिक शक्तिमान, इतना अधिक सफल। किस्मत की बात है, इस सफल व्यक्ति के जीवन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। उसको पार्किंसन रोग हो गया, उसके हाथ हिलने लगे, उसको बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। परंतु वो चाहता था कि उसका अस्तित्व निश्चित रूप से सफल रहे, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने ब्लैक्स, अर्थात जो अश्वेत लोग हैं, जिनमें कुछ कुरीतियां थीं, कमियां थीं, उनको दूर करके उनको सक्षम बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, शक्तिशाली बनाए। वो कच्ची बस्तियों में, गंदी बस्तियों में, स्लम्स जिन्हें कहते हैं, उनमें जाने लगा। इनको घेटो कहते हैं अमेरिका में। एक के बाद एक घेटो में वो जाता, वहां के लोगों को प्रेरणा देता, उत्साह देता, रास्ता बताता, अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, नेकी का रास्ता, हिम्मत का रास्ता। आज वो न्यूयॉर्क के एक घेटो में जा रहा था, साथ में अखबार वाले थे, टेलीविजन वाले थे, रेडियो वाले थे, जो साथ चलते थे उसके, हर वक्त कवर करते थे उसको, रिपोर्टिंग करते थे उसकी। देखा उसने घेटो में सड़क के बीचों बीच एक 45 से 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति दिन के 12 बजे सड़क के बीचों बीच शराब पी के और लेटा हुआ है, बेखबर। मोहम्मद अली को अच्छा नहीं लगा। उसे अखबार वालों से कहा, रुक जाओ, मैं उससे बात करने जा रहा हूं, जब मैं कर लूंगा तब तुम आना। उसके पास गया, उसे उसको उठाया, उससे 10 मिनट बात की, और फिर अखबार वालों से कहा, मैं आगे चल के इंतजार करूंगा आपकी, आप इससे बात कर लीजिए। सारे अखबार वाले आ गए, टेलीविजन वाले आ गए इस व्यक्ति से बात करने के लिए, जिसे मोहम्मद अली साहब ने अभी हाल ही में बात की थी। उन्होंने कहा, कैसा लगा आपको? उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद अली साहब ने आपके लिए क्या किया? उनका, मुझे उन्होंने कहा कि मैं शराब पीकर गलती कर रहा हूँ। क्यों पीते हो शराब? उससे पूछा, कहा कि मेरे घर पर मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, मेरा बेटा बेरोजगार है और मेरी बेटी भी बीमार है, मैं करूं तो क्या करूं, गम भुलाने के लिए उधार लेकर के मैं शराब पीता हूं। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि तुम कभी भी दिन में शराब नहीं पियोगे और रात की शराब भी धीरे धीरे खत्म करो। मैंने कर लिया है वादा। और क्या कहा मोहम्मद अली साहब ने, उनका तुम अच्छे इंसान बनो। एक पत्रकार ने पूछा उस व्यक्ति से, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ पैसे दिए? पैसे ना मैंने मांगे ना उन्होंने दिए। तुम्हें क्या रोजगार के लिए कुछ कहा? हाँ, अपना कार्ड दिया है, ये देखो कार्ड उनका, कहा मुझसे मिलना और वो कोशिश करेंगे मेरे लिए। अच्छा, और क्या ये काफी नहीं है? बस, एक पत्रकार ने व्यंग मारते हुए कहा, ना पैसे दिए ना नौकरी के लिए कुछ कहा, बस। इस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, बोला, क्या कह रहे हैं आप? बस, मैं जब अपनी दुख की कहानी सुना रहा था मोहम्मद अली साहब को, उन्होंने मुझे अपने आगोश में बांध लिया, तुमने देखा होगा ना, मुझे चिपका लिया अपने साथ, मैं रो रहा था, वो रोने लग गए, ये देखो मेरे इस कोट के कंधे पर अभी भी उसके आंसुओं के निशान हैं। वो मेरे लिए रो सकता है, वो रोया। क्या तुम किसके लिए रो सकते हो? हजारों लोगों के दुख की कहानियां तुम छापते हो, क्या आंसू आए तुम्हारे कभी? देखा जाए, आंसू तो थे उस इंसान के और आंखें थी मोहम्मद अली की। हमें ऐसा बनना चाहिए, दूसरे का दर्द हमारे दिल में हो, हम करुणा से परिपूर्ण हो, हम दयावान बने, हम प्रेममय बने, यही सबसे बड़ा मोक्ष है, यही सबसे बड़ी अनुभूति। नमस्कार।